1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 केजी, कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। अच्छा बच्चों, हमारे पास कोई सिलेंडर है। अब सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, सिलेंडर है और सिलेंडर का डायमीटर गिवन है। हमारे पास सिलेंडर मौजूद है, डायमीटर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर। अब बेटा इस सिलेंडर पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से इस पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया से पे लगने से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा जो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या निकालनी है, उधर ना करें सर, क्योंकि जब मैं इधर आता हूँ तो ये नजर नहीं आता ना, मुझे देखना जरूरी है बच्चों। अच्छा जी, तो बच्चों क्या हुआ कि यहाँ फोर्स तो गिवन नहीं, यहाँ जो सिचुएशन गिवन है वो कुछ इस तरह की है। उसने कहा 2500 केजी लोड आपने लटका दिया। सो जब मैस दिया हो, लोड दिया हो लटका देने वाली बात, तो बेटा जब भी अच्छा यहां मैस को अटैच कर दें, ये मैस कोई फोर्स लगाने की पोजीशन में नहीं है। यहां मैस अटैच कर दें, ये मैस फोर्स लगाने की पोजीशन में नहीं होता। जबकि यहां मैस लटका दें, इस मैस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, और कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज एमजी। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, डायमीटर के बाद दूसरी चीज मैस गिवन है कि इतना मैस लटका दिया, मैस यहां अटैच करने से कोई फोर्स नहीं लग, कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं कर। तो मैस ऐसे लगा दें अगर, तो उस मैस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी सिलेंडर, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस एक्ट करेगा। तो लिहाजा यहां मैस से हमने क्या निकालनी है, फोर्स। तो गिवन डेटा हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर वन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल नंबर वन, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वीडियो, ये कदीर साहब गेम ज्वाइन करके चेक कर ले, वहां भी बुला रहा है या इसी हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा बच्चों, डायमीटर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। यहां पावर्स की शक्ल में लिखने के बजाय अगर पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे तो बेटा सूरत हाल ये आ जाएगी हमारे पास, 1.25 सेंटीमीटर की जगह 10^-2 मीटर आ गए डायमीटर ऑफ सिलेंडर। 10^-2 मीटर को अगर आप -2 को खत्म करें तो 0.2 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, इधर 0.0125 पॉइंट यहां था, 2 टाइम इधर शिफ्ट हुआ, माइनस खत्म कर, ये आ गया डायमीटर। दूसरी चीज जो गिवन है वो है बेटा हमारे पास मैस, मैस गिवन है 2500 केजी। तो कहता क्या है, कहता है स्ट्रेस निकालें, तो फाइंड क्या है, स्ट्रेस फाइंड आउट। क्वेश्चन देखें बच्चे का क्वेश्चन है, अच्छा बच्चे बुक भी सामने रखें तो मैं देख लेता हूं इसको। अच्छा जी, स्ट्रेस हमारे पास, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ठीक हो गया, ना तो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास ना एरिया की वैल्यू, हमें गिवन है डायमीटर और हमें गिवन है मैस, लेकिन इस ये मैस से लटका दिया इसकी वजह से फोर्स लगेगी। तो बेटा फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं हम, सिंस फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू एम जी,
मैस की वैल्यू गिवन है, जी क्या हमें पता है। एंड एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा आपने पढ़ा होगा, वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अब आर भी गिवन नहीं, लेकिन आपको पता है आर क्या होता है, डी बाई टू। आर क्या होता है, डी बाई टू। अलग लिख देता हूं अगर किसी को मसला हो, ऐसे जरूरत नहीं है। आर होता है हमारे पास डी बाई टू। यहां से हमने पुट कर दिया तो एरिया हो जाएगा पाए आर स्केयर मीन डी स्केयर डिवाइडेड बाय टू स्केयर मीन फोर। बेटा इक्वेशन इसको वन कह लें, इक्वेशन टू कह लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एरिया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वही है बेटा। स्ट्रेस का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जगह हम पुट करेंगे mg बिकॉज मैस को हैंग किया है, और एरिया की जगह पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है हमारे पास डी बाय टू। तो पुटिंग वन एंड टू इन इक्वेशन ए, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास पुटिंग वन एंड टू इन इक्वेशन ए, ए क्या है फोर्स। तो बेटा स्ट्रेस की जगह हमारे पास फोर्स की जगह एम जी। बेटा मैं ये रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत तो नहीं होगी आप, बल्कि आगे बना देता हूं आपके लिए अगर परेशानी। सिलेंडर है, सिलेंडर को आपने सिलेंडर के साथ लटका दिया मैस जिसका डायमीटर डी स्केयर बाय फोर, पाई डी स्केयर बाय फोर। अब बेटा फोर ऊपर चला जाएगा, फोर एम जी डिवाइडेड बाय जाते, ये इशू आ जाता है कि बाकी बच्चे परेशान हो जाते हैं। मोहम्मद इसहाक नाम का बंदा मेरे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर साहब जिनका जो हमने ज्वाइन किया हुआ है सिस्टम, उनका साथ का तो सामने लगा हुआ है, उनको मैं इस तरह पढ़ के बता दूंगा। अभी मैं इनबॉक्स चेक कर लेता हूं इनका नाम का। अच्छा बच्चो, मैथ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते फोर मैथ की जगह 2500 केजी, जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड के डिवाइडेड बाय पाई की जगह 3.14 और डी की जगह आ जाएगा 0.0125 मीटर का स्क्वायर। अब बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे
और इसको देख लेंगे जो भी सूरत्याल है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप, वो नहीं ये मिस्टर तेरे इत्तेदा, तू कहां से आ गया गधे किसी जगह के मैसेज करता है हमें, शर्म नहीं आती तुझे? अभी मैं तेरे तुझे देखता हूं, अच्छा आप चेक कर लें कोई भी अननोन नाम वाला है, मुझसे 5 मिनट बाद आके रिमूव करवा दे उसका लिस्ट बना के। हां और वीडियो ठीक आ रही है शायद, सब एक बार चेक करके मुझे बता देना। इधर ही खड़े तो चेक कर दे मुझे। अच्छा बच्चों ये वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास। सर आंसर जो भी आएगा ये आपका मसला देख लीजिएगा यहां से आगे। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। एक बच्चा था जो फालतू मैसेज कर रहा था फी पे, जो शाह साहब ने लिखा था उसको रिमूव किया। बच्चे परेशान नहीं होना आपने। तो ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें आप ओपन मैसेज करके। जी क्या सब आवाज आ रही, ज्वाइन करें? अच्छा वीडियो, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। बेटा 2 में एक खास बात समझनी है जो 4 न्यूमेरिकल में हमने अप्लाई करनी है। ये जल्दी हो जाते तो हम न्यूमेरिकल नंबर 6 को टाइम देना था मैंने आज मैक्सिमम, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपसे होना नहीं है घर पे खुद से। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 बुक सामने रखें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। जी क्या क्वेश्चन है? बच्चा अच्छा क्वेश्चन क्या है, बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। आंसर था 200 × 10⁻⁶ पास्कल आंसर था। 10⁻⁶ मेरे बच्चों आपको पता है कितना होता है, मेगा के इक्वल होता है, तो ये मेगा पास्कल हो जाएगा। यानी ये बड़ी सिंपल सी बात थी। 10⁻⁶ क्या हो जाता है बच्चों? मेगा हो जाता है, मेगा पास्कल। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड परसेंट एलोंगेशन विच द वायर अंडरगोस। अच्छा बच्चों सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड लेंथ इंक्रीज बाय 20। बेटा आपके पास कोई वायर है, बल्कि फिर इधर बना देता हूं ताकि बाद में रब ना करनी पड़े। वायर है और वायर की लेंथ है 1 मीटर। वायर की लेंथ है वन मीटर। अब क्या किया आपने, वायर पे फोर्स लगाई जो गिवन नहीं है। फोर्स लगने से वायर की लेंथ में चेंजिंग आ गई, डेल्टा फेल। चेंज होने की कितनी चेंजिंग आई? 20 सेंटीमीटर। यानी अब 1.2 मीटर होगी वायर, यानी वायर की लेंथ बढ़ गई बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये लेंथ चेंज हुई तो स्ट्रेन फाइंड आउट करें, और एलोंगेशन कितनी हुई उस परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड आउट करें। परसेंटेज कितनी चेंज हुई वो फाइंड आउट करें, बस नहीं जरूरी। अच्छा जी दोबारा देख रहे स्टेटमेंट, लेंथ गिवन थी, आपने फोर्स लगाई जो गिवन नहीं है, जिसकी वजह से चेंज इन लेंथ आई 20 सेंटीमीटर। आप स्ट्रेन निकालें और कितनी एलोंगेशन आई,
उस परसेंटेज एलोकेशन निकाले। तो बेटा फर्स्ट थिंग लेंथ गिवन है हमारे पास 1 मीटर, चेंज इन लेंथ कितनी हुई दैट इज 0.20 सेंटीमीटर। सेंटी की जगह लिख दो मेरे बच्चों 10^-2 मीटर, -2 को खत्म करो तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर चेंज आ गई लेंथ में। ये दो चीजें गिवन है। सो द थर्ड वन थिंग, आप स्ट्रेन निकालें। क्या निकालें? स्ट्रेन निकालें। दूसरी चीज क्या है? परसेंटेज एलोंगेशन निकालें। अब स्ट्रेन तो आपको पता है कैसे निकलेगा, परसेंटेज एलोंगेशन मसला है, इसको निकालते हैं। बेटा स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड दैट इज चेंज इन लेंथ 0.2 मीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। तो आंसर क्या आएगा स्ट्रेन का? 0.2 ही आएगा। देखें बच्चों 0.2 डिवाइड बाय 1 तो 0.2। चूंकि स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है तो लिहाजा इसके साथ यूनिट कोई नहीं। सो स्ट्रेन हमने निकाल ली। पार्टिसिपेंट चेक करेंगे और नाम चेक करें, कोई अननोन नाम से तो नहीं है कोई पार्टिसिपेंट? अननोन नाम से जो भी है उसको रिमूव करेंगे। अच्छा जी, स्ट्रेन निकालनी है 0.2 निकल आई 0.2। अब परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज एलोंगेशन मीन स्ट्रेन की परसेंटेज। परसेंटेज एलोंगेशन का फार्मूला देख ले। परसेंटेज एलोंगेशन कितनी परसेंटेज में लेंथ चेंज हुई बेसिकली। परसेंटेज एलोंगेशन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100% परसेंटेज एलोंगेशन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड 100%। बेटा इसका मतलब है, ये फार्मूला समझाना मकसद है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, मसला नहीं है। इसका मतलब है परसेंटेज एलोंगेशन आपके पास हो जाएगी स्ट्रेन डेल ऑफ एल बाई एल मल्टीप्लाई 100%। तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली हमारे उस रिजल्ट, तो ये हो जाएगा बेटा 0.2 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 20%। यानी इसका मतलब है स्ट्रेन गिवन हो तो एलोंगेशन के लिए आप जस्ट मल्टीप्लाई 100% परसेंटेज एलोंगेशन। अब अगर आपको ये कहा जाए, ये जुमला और सुनना, न्यूमेरिकल नंबर 4 के लिए कर रहा हूं मैं, परसेंटेज एलोंगेशन गिवन हो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एलोंगेशन से स्ट्रेन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100। अगले न्यूमेरिकल में यही चीज अप्लाई होगी। इस न्यूमेरिकल की हद तक कोई किसी बच्चे के लिए मसला हो तो वो ओपन मैसेज कर दे, या मोहम्मद इसहाक नाम से पार्टिसिपेंट आपके साथ मौजूद हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, आईटी के इस मामलात को हैंडल कर रहे हैं, वो उनके नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, नंबर पे नहीं उसके है, उन मैसेज कर। इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई मैसेज प्रॉब्लम? ओके बेटा, अब न्यूमेरिकल नंबर 3 खुद देखेंगे आप। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। अच्छा जी, कोई मैसेज तो नहीं आया? चेक करें ना, कोई अननोन नाम से बताएं मुझे। अच्छा जी, वर्ड स्ट्रेस न्यूमेरिकल नंबर 4, इसको मैं रब कर देता हूं, ये पार्ट रहने देता हूं, क्योंकि ये फार्मूला मुझे जरूरत है उधर यूज करना है मैंने, ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे।
न्यूमेरिकल नंबर 4, फ्री खुद करेंगे आप. व्हाट स्ट्रेस वुड काज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%? यानी कोई वायर है, उस वायर में हमने परसेंटेज एलोंगेशन कितनी करनी है, परसेंटेज एलोंगेशन करनी है 0.01%, इतनी परसेंट एलोंगेशन करनी है हमने. क्या? अच्छा, इतनी परसेंट एलोंगेशन करनी है तो इसके लिए स्ट्रेस कितना चाहिए, इतने परसेंट हमने वायर में एलोंगेशन करनी है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है. इफ द यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज 12 × 10⁶ pascal, बट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ डायमीटर ऑफ वायर इज इतना. बाकी चीजें सिंपली ये बात आपके सामने रख दी. तो बेटा सबसे पहली बात, स्ट्रेस बताओ कितना स्ट्रेस चाहिए और परसेंटेज एलोंगेशन कितनी है. इतनी परसेंटेज एलोंगेशन के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए, 0.01% एलोंगेशन के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए, जबकि वो वायर जो आप यूज कर रहे हो जिसमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो उसका यंग मॉडुलस है 12 × 10⁻¹⁰ pascal. ये मुझे स्टील लग रही है या कॉपर हो सकती है. 12 × 10⁻¹⁰ pascal. व्हाट फोर्स, स्ट्रेस के साथ साथ फोर्स भी निकालने कितनी लगाई आपने इस एलोंगेशन के लिए, जबकि डायमीटर गिवन है 0.056 मिलीमीटर. तो बेटा ये हो जाएगा 0.000, 3 जीरो लगेंगे मिली को खत्म करने के लिए. बेटा अगर मसला है पूछ लो. डायमीटर बेटा ये गिवन, गिवन एक डायमीटर है, परसेंटेज एलोंगेशन है और यंग मॉडुलस है. निकालना है स्ट्रेस और फोर्स. क्या निकालना है? स्ट्रेस और फोर्स. अब बेटा पहले मैं स्ट्रेस की बात करूंगा. स्ट्रेस के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला जो यूज करेंगे, एक तो फोर्स बाय एरिया है. फोर्स गिवन ही नहीं है लिहाजा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा. यानी स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन. यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपको याद होगा क्योंकि मुझे आगे इस पे चलना पड़ेगा. थोड़ा सा नीचे जा सकता हूं मैं. यंग मॉडुलस टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन. तो यहां से स्ट्रेस हो जाएगा यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड स्ट्रेन. अब जरा गौर से सुनो बच्चों, यंग मॉडुलस तो गिवन है, स्ट्रेन गिवन ही नहीं है. स्ट्रेन गिवन नहीं है. अब परसेंटेज एलोंगेशन गिवन है, जहां से क्या निकालेंगे हम? स्ट्रेन. अगर स्ट्रेन और यंग मॉडुलस की वैल्यू हो तो मसला ही कोई नहीं है. मसला क्या है? स्ट्रेन की वैल्यू. अब स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालें हम? यानी मसला बन गया स्ट्रेस निकालने के लिए यंग मॉडुलस है, स्ट्रेन की वैल्यू. स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालें? परसेंटेज एलोंगेशन गिवन. हमने पढ़ा परसेंटेज एलोंगेशन इज डेल एल बाय एल इनटू 100%, स्ट्रेन इनटू 100%. तो यहां से स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा? इसी फार्मूले से स्ट्रेन हो जाएगा परसेंटेज एलोंगेशन डिवाइडेड बाय 100. तो बेटा स्ट्रेन हो जाएगा 0.01% है. नीचे भी परसेंट है, कट जाएगा लेदर ना लिखे तो अच्छा है. बेटा ऊपर आपके पास 0.01% है, नीचे भी 100% है डिवाइडेड में,
तो पर्सन पर्सन कट जाता है, लिहाजा लिखना अच्छा नहीं लगता हमें, ये कुछ हमारी तबीयत का नागवार गुजरता है, लिहाजा ना ही लिखें तो अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करें किससे, इससे 0.01 से, तो डिवाइड करने पे स्ट्रेन हमारे पास आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट इस न्यूमेरिकल का, वो है फोर्स निकाल। फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अगर तो मैथ लटकाया जाता तो एम जी होता, वो तो कुछ गिवन नहीं है। ज्यादा सूटेबल फार्मूला फोर्स के लिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो जाएगा यहां से स्ट्रेस मल्टीप्लाइड एरिया। अब स्ट्रेस की वैल्यू, सॉरी एक चीज छोड़ दी मैंने, स्ट्रेन निकाल लिया यहां से, स्ट्रेन की वैल्यू यहां पुट करेंगे क्या निकलेगा, स्ट्रेस। स्ट्रेन की वैल्यू यहां पुट करेंगे क्या निकलेगा, स्ट्रेस। लिहाजा पुट करके कर लेंगे, या मेरा ख्याल है कर ही लेंगे आप। स्ट्रेन मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन की ये वैल्यू पुट करके। स्ट्रेस जब निकल आया तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड एरिया, स्ट्रेस ये है मल्टीप्लाइड एरिया की वैल्यू डायमीटर की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। आर तो नहीं है यहां, डायमीटर है, सो डायमीटर के केस में ये हो जाएगा पाई आर की जगह डी बाई टू, तो डी बाई फोर हो जाएगा। आर की जगह डी बाई टू, तो आर स्क्वायर की जगह डी बाई डी स्क्वायर बाय टू स्क्वायर, दैट इज फोर। तो पुट कर लें बेटा, अब वैल्यूज तो निकाल लेंगे। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फोर। टाइम बताइए, 35 मिनट, 7:50 से 8:40। अच्छा बच्चों, हमारे लास्ट न्यूमेरिकल के लिए 5 मिनट बच रहे हैं। बड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, और कल हमने स्टार्ट करना इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होगा। लिहाजा जहनी तौर पर कल तैयार रहिएगा, हैं? अच्छा, तो बेटा टाइम आखिरी न्यूमेरिकल के लेवल का तो नहीं बचा हुआ, अलबत्ता देखते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कहां पहुंचती है बात। अच्छा बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल देख लें आप खुद ही। न्यूमेरिकल नंबर 6 मैंने सॉल्व करवाना आपको, जो आपसे नहीं होना किसी भी सूरत में। एरिया न्यूमेरिकल नंबर 6, अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर ईच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर आर ज्वाइंट 1 एंड टू फॉर्म अ कंपोजिट वायर 3 मीटर लॉन्ग। बेटा यहां ही तक मैं पहले समझाता हूं। दो वायर है हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल और एक कॉपर वायर है, और दूसरी स्टील वायर है। अच्छा, दो वायर है बच्चों, दो वायर है, एक कॉपर वायर है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है, और दूसरी स्टील वायर है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है। कॉपर वायर का भी जो डायामीटर है वही डायामीटर किसका है, स्टील वायर का। जो डायामीटर कॉपर वायर का है वही डायामीटर स्टील वायर का है। सर अननोन नाम पे कोई नहीं आज, कौन? अच्छा, वावे वाई 7, आज क्या तक आपको आपने नाम बताया मुझे, रिलैक्स किया जाता है, कल आपने नाम अपना चेंज कर लेना है, अपना नाम रखना है नाम। अच्छा जी, डायमीटर कॉपर का भी वही है जो किसका है, स्टील का। कॉपर की लेंथ भी 1.5 मीटर, स्टील की लेंथ भी 1.5, टोटल लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ स्टील, टोटल लेंथ हो जाएगी
कॉपर की लेंथ प्लस स्टील की लेंथ दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, कंपोजिट दोनों वायर की लेंथ, यानी कॉपर की लेंथ भी 1.5 मीटर है, स्टील की लेंथ भी 1.5 मीटर है, दोनों का डायमीटर सेम है, टोटल लेंथ दोनों जुड़ी हुई है कंपोजिट वायर का, टोटल लेंथ हो जाएगी 3 मीटर, यहां तक ये बात याद रख।